हाय फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कि ये जो ड्राइंग है इसको हम आर्टकैम में ले जाके कैसे टूल पर बना सकते हैं और इसमें जो एरर आता है उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए, इसका पूरा पूरा साइज जो है 18.366 इंच एंड हाइट है 21.228 इंच। तो हम एक काम करता हूँ, इधर हम एक बॉक्स ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। फिर ये अंदर वाला जो जगह है उसको सिलेक्ट करके हम कॉम्बाइन कर लेता हूँ, फिर पूरा पूरा सी ई प्रेस करके फिर से एक बार कॉम्बाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा ड्राइंग है। फाइल, एक्सपोर्ट, मैं इसको ईपीएस में एक बार एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, और एक बार DXF में भी एक्सपोर्ट करता हूँ। तो आप अपना मशीन में जो आपको सुविधा हो, और अगर 13 या उससे लोअर वाला कोई कोडन ड्रॉ है तो आप ईपीएस बनाने से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये सिलेक्टेड ओनली सिलेक्ट रख के हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ओके। फिर आर्टकैम को खोल रहे हैं, सपोज इधर थोड़ा बड़ा साइज का पेज ले रहा हूँ, 36 इंच बाई 36 इंच का, फिर मिलीमीटर सिलेक्ट करके ओके कर दिया। विंडोज टाइल वर्टिकली करके दोनों व्यू देखेंगे, फिर वेक्टर इंपोर्ट, और इधर जाके हम ये वाला लाइन को ले लेंगे, ठीक है। अभी इसको टूल पर बनाना है, तो एक बात आपको दिखाता हूं। सपोज हम बड़ा वाला टूल से काटेंगे तो ये जो जगह है ना, इधर कटिंग नहीं होगा। अब देख लीजिए, क्योंकि ये सब जगह में देखिए बहुत छोटा जगह है। तो हमारा कितना एमएम का टूल यूज कर सकते हैं कैसे देखेंगे। जो सबसे पतला जगह है उधर ऐसे ड्रॉइंग कीजिए एक सर्किल, तो आप इसको देख सकते हैं। ये 3 mm का साइज से भी कटिंग नहीं होगा, क्योंकि इधर तक जाएगा नहीं। तो जब भी इस तरह का कोई काम करना है, इसमें ड्राइंग सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ड्राइंग मैं बाद में करके दिखाता हूँ, पहले इसका टूल पाथ दिखाता हूँ। तो इसमें क्या करना है, देखिए इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, फिर टूल पाथ में जाएंगे। तो छोटा बीट से हमें इसको काटना होगा, तो ज़्यादा छोटा बीट से काटेंगे। सपोज 12 mm का मटेरियल है तो छोटा बीट से काटेंगे तो हमें 2 mm 2 mm करके काटना होगा। तो सपोज 3 mm का बीट हम यूज करेंगे तो 3 mm का बीट एकदम कोने तक नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोने तक जा ही नहीं पाएगा, देखिए बहुत छोटा है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हम 2D प्रोफाइल में जाएंगे, फिर इधर जाके आउटसाइड सिलेक्ट करके फिनिश डेप्थ है सपोज हमारा 12 mm, ठीक है। तो हम इधर सिलेक्ट करके एंड मिल ले रहा हूं 3 mm वाला, और इधर स्टेप डाउन देना पड़ेगा हमें 2 mm करके, फिर हम मटेरियल सेटअप 12 mm, ठीक है। फिर हम नाउ ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूं। अभी देखिए इधर एरर दिखा रहा है, एरर का मतलब सेल्फ इंटरसेक्ट है। सेल्फ इंटरसेक्ट क्या होता है पहले आपको दिखाता हूं। सपोज हमने कोई ड्राइंग किया है, सपोज हमने कोई ड्राइंग किया, जैसे ये देखिए इस तरह का कोई ड्राइंग किया और गलती से ये जगह ऐसे हो गया। तो बहुत छोटा छोटा जब होता है तब हमें देखने को भी नहीं मिलता है कि कितना छोटा हमने ये गलती कर दिया। ये देखिए एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर चढ़ के है। तो इस तरह का काम में सपोज मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, देख लीजिए, ठीक है, तो इसको भी अगर मैं टूल पर बनाऊंगा देखिए क्या होगा। ये हो गया, पर कहीं से अगर ये जगह पे
एरर कुछ हो जाता है। एरर मतलब मैं थोड़ा जूम करके समझाता हूँ, देख लीजिए ये जो लाइन है, लाइन में अगर इस तरह का ओवरलैप हो जाए, ये इस तरह का देखिए, ये जो ओवरलैप, ये सपोज बहुत छोटा सा भी अगर होता है ऐसा, तो हमें देखने को नहीं मिलता, इससे भी छोटा, ऐसा, तो हमें पता नहीं चलता है कि इधर ओवरलैप है। देख लीजिए, देख रहे हैं ओवरलैप बोल रहा है। तो जब भी हमारे पास उस तरह का कोई प्रॉब्लम आएगा तो हमें क्या करना होगा, दिखाता हूं। जैसे इधर आपको ओवरलैप दिखा तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, असिस्टेंट में जाके डॉक्टर फैक्टर में जाएंगे, आइडेंटिफाई, फिक्स प्रॉब्लम, फिर क्लोज, यस। फिर आप टूल पाथ में जाके ये वाला सिलेक्ट करेंगे, आउटसाइड 12, फिर इधर से 3 mm वाला एंड मिल सिलेक्ट करेंगे, ओके सिलेक्ट, फिर सेटअप में जाएंगे, ओके, फिर नाउ ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अभी देखिए टूल पाथ बन गया, देखा आप, देखिए तो बात क्या हुआ, देखिए कुछ कुछ जगह पे हमारा ओवरलैप है, देखिए मैंने जैसे दिखाया था, देखिए देख रहे हैं ये सब जगह पे ओवरलैप है। मैं एक लाइन लेके आपको दिखा देता हूं, देखिए टूल पाथ को भी डिलीट कर रहा हूं, एक लाइन लेके मैं दिखाता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं, पहले पहले जैसे था वो वाला लेता हूं, ये वाला फिर से मैंने क्लियर कर दिया, देखिए वेक्टर इंपोर्ट, और इधर देखिए अभी इसको आंगू बॉल कर रहा हूं, ठीक है, तो ये वाला जगह पे देखिए इसको सिलेक्ट किया, अभी इसको मैं ये लाइन से दिखाता हूं, देख लीजिए, देख रहे हैं ये देखिए, तो इसके मतलब इधर ओवरलैप है, देखा आप, देखिए ये देखिए, इसी वजह से वो नहीं हो रहा था। तो हमें जब ड्राइंग करेंगे किस तरह से ड्राइंग करना है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने सिलेक्ट ऐसे कर दिया नान, फिर देखिए अरेंज लॉक ऑब्जेक्ट, सपोज इसी इसी को ही मैं हमें ड्रॉ करना है, तो इधर देखिए 3 point कार्व टूल है, इसको सिलेक्ट करके आप इस तरह सा एक कार्व बना लीजिए ऐसा, और इधर रख दीजिए, ठीक है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखिए और एक 3 point कार्व टूल लीजिए, लेने के बाद इधर रखिए और इसको इस तरह से रख दीजिए, ठीक है। फिर इन दोनों को आप विल्ड कर दीजिए, अरेंज सेपिंग विल्ड, फिर देखिए अरेंज क्लोज पाथ, इधर जाके क्लोज विथ स्ट्रेट लाइन कर दीजिए, देखिए जुड़ गया। फिर ये जगह पे जाके आप इस तरह से मॉडिफाई कर दीजिए, जैसे ये लाइन के हिसाब से है, और ऊपर का जो लाइन है इसको देखिए ऐसा कर दीजिए, इससे क्या है ओवरलैप नहीं होगा, आप देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। फिर इसी लाइन को मैं आर्टकैम में ले जाता हूं, देखिए इसी लाइन को, फाइल एक्सपोर्ट, सपोज ईपीएस करके ले जाता हूं, सिलेक्टेड ओनली, ठीक है, इधर मैं नाम देता हूं ई एक्सपोर्ट, ओके। अभी देखिए आर्टकैम में लिया,
ये सब मैं डिलीट कर देता हूं। एक सेकेंड, फिर वेक्टर से इंपोर्ट करके ये वाला ले लिया। ओके ठीक है, अभी इसको देखिए, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं टूल पाथ में जाके, ये खाली लाइन है तो हम इनसाइड से करेंगे इसको। फिर देखिए 3 mm से मैं कर रहा हूँ, नाउ तो आप समझ गए, कोई भी ड्राइंग में अगर ओवरलैप नहीं होता है तो उस तरह का एरर नहीं दिखेगा। तो आप ध्यान से समझ लीजिए कि जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं उसमें कहीं पे भी थोड़ा सा भी ओवरलैप नहीं होना चाहिए। देखिए इस लाइन को आप देखिए ध्यान से, इसको सेफ एडिटर से मैं दिखाता हूं, ये तो कॉम्बाइन होके है, इसको अनग्रुप कर लेता हूं। देखिए अरेंज, इसको ब्रेक अपर्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल के, वो लॉक करके रखा हुआ था, इसको अनलॉक कर लेता हूं पहले, फिर इसको ब्रेक अपर्ट करता हूं कंट्रोल के करके। अभी देखिए ये जो लाइंस है इधर से आपको पता चल जाएगा, देखिए ये सिलेक्ट किया, फिर इसको थोड़ा सा हिलाइए, अब देख लीजिए ये तो अंदर की तरफ जब था ये देखिए ओवरलैप बन जा रहा है, देखें ये देखिए, समझ गए। तो कोई भी ओवरलैप होना नहीं चाहिए, तब आपका रिजल्ट सही आएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए हैं कि किस तरह से इस टाइप का एरर को सॉल्व करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।